नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। जहां दोस्तों अब राज्यपाल ने शिवसेना को न्योता दे दिया है सरकार बनाने के लिए, ये अब तक की बड़ी खबर है। पहले राज्यपाल ने बीजेपी को न्योता दिया था, लेकिन अब बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि हम सरकार बना नहीं पाएंगे, हमारे पास बहुमत नहीं है। ऐसे में राज्यपाल ने बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टी शिवसेना है उसको यहाँ पर न्योता दिया है। महाराष्ट्र में अब राज्यपाल से मिलने जा रही है शिवसेना, लेकिन किसके साथ मिलेगी ये बड़ा सवाल है। एनसीपी की शर्त, पहले एनडीए से बाहर आए शिवसेना, इसके बाद ही समर्थन देगी। और टाइम काफी कम है शिवसेना के पास, क्योंकि शिवसेना को बहुमत पेश करने के लिए कल तक का समय दिया गया राज्यपाल की तरफ से कि कल 7:30 बजे तक का वक्त है यहाँ पर शिवसेना को अपना बहुमत पेश करने के लिए। ऐसे में क्या यहाँ पर कांग्रेस एनसीपी समर्थन देगी, ये अब तक एक बड़ा सवाल है। और शिवसेना के पास अब एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, क्योंकि अगर महाराष्ट्र में सरकार नहीं बनती है तो कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार शिवसेना ही होगी। इससे पहले महाराष्ट्र को लेकर यहाँ पर आज ही यहाँ पर बीजेपी ने साफ रुख कर दिया है कि राज्यपाल से मिलने के बाद कहा कि हम अकेले सरकार नहीं बना सकते हैं, हमारी सहयोगी शिवसेना अब हमसे अलग हो चुकी है। कहीं ना कहीं अब शिवसेना को एक बड़ा यहाँ पर ऑफर दिया है राज्यपाल ने, यहाँ पर न्योता दिया सरकार बनाने के लिए। तो पहली बार यहाँ पर अब शिवसेना की तरफ से कोई यहाँ पर कह सकते कि सीएम पद होगा, लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर कैसे बनेगी सरकार, क्योंकि अब तक एनसीपी कांग्रेस ने यहाँ पर समर्थन का ऐलान नहीं किया है। क्या उग्र हिंदुवादी पार्टी शिवसेना को समर्थन देगी, क्योंकि ये जो बड़ी पार्टी है कांग्रेस शिवसेना, ये आपस में एक विपक्ष रही है, कहीं ना कहीं एक दूसरे पर यहाँ पर सवाल उठाती आई है। कैसे में ये यहाँ पर कुर्सी के लिए साथ हो सकती है, ये बड़ा सवाल है। कांग्रेस का समर्थन नहीं मिला तो कैसे बनेगी सरकार, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या यहाँ पर शिवसेना के पास इतने विधायक हैं कि वो 145 का जो बहुमत है उसको पेश कर दे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तीसरा बड़ा सवाल, क्या शिवसेना और बीजेपी का जो रिश्ता है वो टूट जाएगा, क्या शिवसेना केंद्र से अपने मंत्री हटाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। सरकार नहीं बनी तो फिर कौन होगा इसका जिम्मेदार, ये 5 बड़े सवाल हैं। क्योंकि अब यहाँ पर अगर बात करें तो महाराष्ट्र में बिना बीजेपी की सरकार बन सकती है। शिवसेना के 56, एनसीपी 54, कांग्रेस के 44, कुल 154 विधायक होते हैं, बहुमत 145 है और यहाँ पर बहुमत से ज्यादा यहाँ पर विधायक हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर कांग्रेस एनसीपी यहाँ पर शिवसेना को किस आधार पर समर्थन देगी, क्योंकि शिवसेना का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर आदित्य ठाकरे ही होंगे यहाँ पर महाराष्ट्र के सीएम। तो क्या मंत्री पद पर मान जाएगी एनसीपी कांग्रेस, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर आपको इन सवालों के जवाब मिलते हैं, अगर आपके मन में इन सवालों के जवाब उमड़ रहे हैं, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।